अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्ट एटर्स। तो आज हम बनाएंगे इस प्लेन सी बॉटल को कुछ अच्छा सा नया सा लुक देंगे, और बहुत इजी तरीका है ये। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ना डेकोपाज नैपकिन ले लिया है। ये टिश्यू पेपर होते हैं, बस टिश्यू पेपर वो वाला जिससे हम मतलब काम करते हैं, कुछ यूज़ में लाते हैं उसको, वो प्लेन होता है, इसमें प्रिंटेड होता है। और इसको इस तरह से लेना है, आपको किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाएगा ये, किसी भी क्राफ्ट एंड आर्ट सप्लाई की दुकान पे। और ये इस तरह से आपको निकाल लेना है, पीछे का एक पेपर लगा होता है उसको निकाल लेना है और इस तरह से इसे कर लेना है, ठीक है। ये बहुत कम में मिल जाता है, 15 की एक शीट आ जाती है या 20 इसके अंदर ही मिल जाएगी आपको। तो अब इसमें से चलिए मुझे काट के निकालना है डिज़ाइन, ठीक है। डायरेक्ट इसको उठा के स्टिक नहीं करने वाली हूँ, मुझे दूर दूर पे लगाना है। तो इस तरह से मैंने देखिए कट कर लिया है, और बहुत अच्छा। और ये देखिए क्या हुआ, इस तरह की चीज़ें मेरे साथ होती रहती है। तो चलिए खैर, अब यहाँ पे मैंने ना क्या किया है, मॉड पॉज ग्लू का यूज़ किया है, और ये मेरा पहला मॉड पॉज है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी ग्लू का यूज़ करना है, मैं आज लेके आई थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ही ट्राई करते हैं। लेकिन इससे बेटर मुझे ना जो मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था वो वाला लगा। तो इस तरह से आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उसकी, वो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना होता। फेविकोल को बस और बस आपको एक चम्मच, अगर आप फेविकोल ले रहे हो तो उसमें एक चम्मच आपको पानी मिलाना होता है और मिक्स करके यूज़ करना होता है। तो इस तरह से हमेशा इसको ड्राई ब्रश से ऐसे आपको लगाना है, ठीक है, नहीं तो बबल्स आ जाते हैं इनमें। कभी भी गीले ब्रश से मत करिए। मैंने पीछे साइड से देखिए, एक साइड से मैंने ग्लू लगाया और दूसरे साइड से मैं इसको ऐसे लगाती जा रही हूँ। और फिर इसके ऊपर भी कम्प्लीटली आपको पूरे ग्लू से इसको सील करना होता है, ठीक है। तो ये वाटरप्रूफ बनेगा, और तो ही इसमें शाइन आएगी, और तो ही ऐसा लगेगा कि इसमें पेपर नहीं लगाया हम लोगों ने, इसमें ये प्रिंट ही वैसा किया हुआ है, ठीक है। तो दूर दूर पे मुझे ना एक ग्लास भी दिखाना था, बहुत दिन से अम्मी मुझे बोल रही हैं कुछ कलरफुल बना दो, तो मैंने सोचा आज पूरा ही कलरफुल बना देती हूँ, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से उनको ऐसे ही चाहिए था, दूर दूर पर लगाना था। आप चाहे तो आप पूरे को भी ऐसे स्टिक कर सकते हैं लेके, अगर आपको ये टफ लग रहा है तो। कि ये जो मैं गई थी ना, तो मुझे ये वाला नैपकिन बहुत प्यारा लगा, इसका प्रिंट मुझे अच्छा लग रहा था, कलरफुल था लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। ब्लैक बैकग्राउंड था वो मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अम्मी ने कहा कि उनको पूरा ऐसे कवर नहीं चाहिए बॉटल, उसमें ग्लास भी दिखे, तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको लगाया है। तो देखिए मैंने दूर दूर पर ऐसे इसको लगा लिया। अब क्या करना है, इसको सबको अच्छे से इसके ऊपर जो मॉड पॉज ग्लू है या फिर जो हम घर पर बनाएंगे ग्लू जो मैंने आप लोगों को बताया, उससे आपको सील कर देना है पूरे को अच्छे से। अब यहाँ पर मैंने लिया 3D कोट लाइनर, इससे बहुत अच्छा पर्ल वाला इफेक्ट आ जाता है। तो मैं बीच में थोड़े थोड़े से डॉट दे दूंगी, और साइड को ना बस मैं साइड को इस तरह से आउटलाइन कर रही हूँ। आप देखिए कहीं पे मैंने बीच में नहीं, बस इस तरह से बस साइड साइड पे आउटलाइन कर रही हूँ ना, तो उससे एक बहुत अच्छा सा नीट एंड क्लीन वाला लुक आएगा, और बहुत ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट जो होता है ना इन्हांस हो जाता है ऐसा करने से। और ये कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते हैं, ये आपको 25 के मिल जाएंगे एक, ठीक है। तो आप इसको बना भी सकते हो, ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियो, लेकिन मैंने इस बार ना मैंने ये वाला लिया था, तो मैंने सोचा यूज़ कर ही लेती हूँ, कब से रखा हुआ था मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से आप बना भी सकते हो, और आप इस तरह से ख़रीद के भी लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते, ठीक है। तो इस तरह से किनारे किनारे पे बस मैं आउटलाइन कर रही हूँ, और बीच में कुछ डॉट दे दिया, और आप देखिए इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बस ऐसे ही सिंपल सा रहेगा ये, लेकिन कुछ मैंने टफ आपको नहीं बताया। पहले एक बात आप लोगों को बोलना था कि लोग मुझे ऐसा कहते थे ना कि आप ऐसा, मैंने अपनी तारीफ खुद से, लोग ऐसा कहते थे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बना देती हो, तो जो बिगिनर्स होते हैं वो नहीं कर पाते हैं इतना ज़्यादा, जैसे मैं हमेशा टेक्सचर पेस्ट और ये सारा चीज़ यूज़ करती थी, सॉरी। तो वो मतलब वो उनका कहना था ना कि थोड़ा सा ना इजी कुछ बताओ जो हम लोग भी कर पाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते थे मुझे, तो मैंने उनके लिए ही देख के, जो बिगिनर्स हैं बहुत सिंपल है डेकोपाज मतलब करना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई टफ नहीं है, बस मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल वे में बताया है, तो आप ईजी कर सकते हैं इसको, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। बस आपको नैपकिन लेना है, बस ध्यान ये देना है कि बबल नहीं पड़े आपके प्रोजेक्ट में, तो उससे वो ज़्यादा अच्छा लुक आता है। फिर साइड साइड में मैं इस तरह के भी कुछ ऐसे लीफ टाइप बना दे रही हूँ, जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह थी, ठीक है। तो इसके हर कलर आ जाते हैं 3D आउटलाइनर के, ब्लैक, वाइट, गोल्डन, पर्पल, ब्लू, मतलब सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे। आप कलर कॉम्बिनेशन अपने मतलब पसंद का रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए सोचा कि अब थोड़े से मैं इजी इजी भी DIY ला रही हूँ, जो कि सारे लोग
जो बिगिनर्स हैं वो भी कर सके, और टफ़ चीज़ें सारे लोग शुरू में नहीं कर सकते। अब मुझे वो सारे ईजी लगने लगे हैं। और ये देखिए, ये ना मेटालिक पेंट खुल ही नहीं रहा था, मेरा हाथ बिल्कुल लाल हो गया। फिर मैंने ये एंटीक मेटालिक नहीं यूज़ किया, फिर मैंने दूसरा लिया। खैर अब पता नहीं, उसको देखते हैं किसी से खुलवाएंगे बाद में। उसकी लिड खुली नहीं रही थी, और ऊपर की लिड को भी मैंने अच्छे से पेंट कर दिया ब्लैक। पहले एक बेस कोट दिया, तब इस पर मेटालिक लगाएंगे। अब सबको अच्छे से कम्प्लीटली वॉर्निश से सील करना है, इससे ये वाटरप्रूफ हो जाएगा, पानी लगने पर नहीं छूटेगा, नहीं निकलेगा। तो अच्छे से 2-3 कोट आप अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिर ये तुरंत ही सूख जाती है। ठीक है, इसी तरह से लिड के ऊपर भी हम अप्लाई कर देंगे। तो इसलिए बस आजकल मैं थोड़े से ईजी DIY ला रही हूँ। तो आपको ये सारे पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बिगिनर्स के लिए भी तो कुछ सोचना होगा ना। मैं तो बस ऐसे ही बनाई जा रही थी हार्ड। सही बात है, सारे लोग नहीं बना पाएंगे, मुझे ईजी लग रहा है क्योंकि मैं बहुत दिन से कर रही हूँ। तो चलिए अभी आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखें, ये ग्लास मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले ही बनाया था, इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। इसके साथ ये कितना प्यारा लग रहा है, इसमें मैंने रूअब्ज़ा भी घोला हुआ है। और इस तरह से देखें, ये अगर आप ऐसे डायरेक्ट रखिएगा इसको, तो ये कितना प्यारा और कितना आउटस्टैंडिंग लग रहा है ना। बिल्कुल नहीं लग रहा है वो प्लेन से बॉटल को हम लोगों ने सब बनाया है। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं है मेरे तरह, तो आप ऐसे टेक्निक ढूंढ सकते हो, डेकोपाज कर सकते हो। नैपकिन बहुत ईजिली मिल जाती है, अगर आपको नैपकिन नहीं लगाना है तो उसका और एक अल्टरनेटिव है कि आप कलरफुल प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज में निकल जाता है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वो लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, वो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करके जाइएगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।